शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया। इस दौरान शहर में बिजली बिल का वितरण नहीं किया गया। इस दौरान वितरण अधिकारियों ने बताया था कि रिकॉर्ड के अनुसार बिल दिए जाएंगे, मगर अब बिजली बिल के आंकड़े देख सामान्य जनता के आंखें भर आई है। जिसे अभी तक 1000 बिल आता था, उसे दुगना बिल आया है। ऐसे में भारतीय जनता पक्ष ने शहर के पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को मांग की है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के धरती पर उपाय योजना करे। भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा कि राज्य सरकार ने 100 यूनिट का स्लैब बढ़ाकर 300 यूनिट करे। दटके ने लोगों से आह्वान किया है कि जिसे भी ज्यादा बिल आया हो, उन्होंने उसके जेरोक्स भाजपा कार्यालय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके रामनगर से जमा करे। दटके ने कहा कि मांग पूरी न हुई तो भाजपा की ओर से कोरोना के नियम पालते हुए आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जनता को यह मांग सही लगती है तो उनके सहयोग से लाइट बंद आंदोलन भी किया जाएगा। आम्ही तुम्हाला सांगितलं आहे, त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने आम्हाला कोविडच्या काळात तमाशा मांडायचा नाही, पण कोविडच्या काळात जर ज्याला 2000-3000 बिल येणार असेल, त्याला 10-10, 15-15 हजार बिल आलं, ज्याचा पगार 10-12 हजार रुपये आहे, ज्या क्लास टू आणि क्लास थ्री कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला गेला आहे, ज्याचा धंदा बंद आहे, म्हणजे कोणाचं दुकान बंद आहे, कोणाचं भाजीचं दुकान इतके दिवस बंद होतं, निम्नवर्ग मध्यमवर्गीय गरीब माणसाच्या पोटापाण्याची चिंता आहे, आणि त्या पोटापाण्याच्या चिंतेत जर असे बिलं घरी येतील तर या महाविकास आघाडी हे सरकार जनतेच्या बाजूनी आहे का हे कोणाच्या बाजूनी आहे विचारण्याचा प्रश्न आज समोर आला।